सोनीपत में बीजेपी उम्मीदवार मोहनलाल वड़ौली ने अपने गांव में डाली वोट। मोहनलाल वड़ौली ने कहा कि अब की बार चार सुपार, तीसरी बार मोदी सरकार। देश में इंडिया गठबंधन नहीं, टुकड़ा टुकड़ा गैंग है। मोदी सरकार में देश विकसित हुआ। हरियाणा प्रदेश की 10 सीटें बीजेपी जीत रही है। कांग्रेस हरियाणा प्रदेश में कहीं दिखाई नहीं देगी। वोट की क्या क्या कहना चाहोगे? आज छठे चरण में चुनाव है। आज छठे चरण का चुनाव 25 मई और कांग्रेस गई, ये जनता ने मन बना रखा है। और 4 तारीख को जब गिनती होगी तो पूरा स्पष्ट हो जाएगा हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 लोकसभा की। और करनाल का उपचुनाव का हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बहुत बड़ी जीत के साथ 11 कमल के फूल हरियाणा प्रदेश में। क्या मुद्दे थे अबकी बार जो जनता के बीच गए, तीसरी बार फिर सरकार बनेगी क्या? ये 10 वर्ष की लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के काम की गारंटी, सबकी सुरक्षा की गारंटी, सबके अधिकारों की गारंटी, महिलाओं के अधिकार की गारंटी, किसानों के सम्मान की गारंटी, युवाओं के रोजगार की गारंटी, जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का विश्वास जनता के अंदर बढ़ा है, उस विश्वास के कारण मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास, यही जीत का सबसे बड़ा कारण है। कांग्रेस प्रत्याशी भी मैदान में लगातार 10 की 10 जीत का दम भर रहे हैं। वो दम भरते रह जाएंगे और जहाँ से आए थे वहीं चले जाएंगे। क्या युवाओं से कोई अपील? क्या अपील करना चाहते हैं? मैं युवाओं से जरूर अपील करूँगा, अपना वोट देश के लिए दें, देश के विकास के लिए दें, देश की समस्याओं के समाधान के लिए दें और 100% मतदान करें। अपना वोट का आहुति, ये जो लोकतंत्र का बड़ा त्यौहार है, इसमें जरूर वोट रूपी आहुति को डालने का काम करें। यही मैं सभी युवाओं से, सभी बुजुर्गों से, सभी महिलाओं से, सभी से निवेदन करूंगा, अपनी वोट का इस्तेमाल जरूर करें। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।